सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पे मत रहना, पहली बता रहा हूँ, चार पांच यूनिवर्सिटी, तो 1-2 लाख उसमें सस्ते हो जाएंगे, तो 13 लाख जैसे एवरेज है, तो 11-12 लाख तक आपको फीस पड़ जाएगी, ठीक है। इन बातों को नेगेटिव मत लेना, कहने मतलब है कि अगर आप इजीली अफोर्ड कर रहे हो तो भाई आओ। ये तो 25 लाख दूंगा बट मुझे उसी यूनिवर्सिटी में जाना है, बट लोन लेके आना पड़ रहा है। हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है विभोर शेरावत और आप देख रहे हो द इंडियन इन यूके। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज बताने वाला हूँ यूके की, मतलब सस्ती यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो काफी रिसर्च की इस पे एंड मैंने काफी कंपेयर किया है और यूनिवर्सिटीज से, जो आज मैंने यूनिवर्सिटीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन उन यूनिवर्सिटीज को और यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। तो लगभग सारे जो कोर्सेज हैं, सो जो सारे प्रोग्राम्स हैं, वो सस्ते हैं इन यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। एंड एक आधा प्रोग्राम देखो ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा मुझे। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि बेस्ट ऑप्शंस दूं, ठीक है, एक अफोर्डेबल रेट में, एक मतलब लोगों के बजट में सी, क्योंकि एक एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ उनको फीस ही नहीं पे करनी होती, उसके साथ अपना लिविंग एक्सपेंस देखना होता है, ठीक है। अब दूसरी कंट्री से आते हैं तो बहुत सामान, टिकट्स, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक एक ट्यूशन फी नहीं होता है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए जिससे मैं हेल्प कर पाऊँ कि लोग अपना एक एटलीस्ट ज्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शंस पे ना जाए, ठीक है। ज्यादा समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना दिन प्रतिदिन हर इनटेक पे फीस बढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में आप लोगों को सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटीज बताऊं, तो मैंने टॉप 5 यूनिवर्सिटीज चुनी है इस चीज के लिए। एंड ये सिर्फ ये नहीं कि सस्ती हैं और इनका मतलब पढ़ाई पढ़ी बेकार है, ऐसा नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी काफी, मतलब लोग जानते हैं यहाँ यूनिवर्सिटीज को। और एक चीज और बता दूं, यूके की सारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, सही बताऊं। चाहे रैंकिंग पे मत जाओ, रैंकिंग एक पॉइंट पर आके मैटर नहीं करती है, आपको मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने सीवी में नहीं लिखेंगे कि मेरी रैंक ये है, इट्स जस्ट आपकी स्किल्स, आपका एटीट्यूड, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सब चीजें काम आती हैं। तो एक ही फैक्टर नहीं होता है, देखो रैंकिंग होती है, बट या तो फिर आप एकदम ही टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पढ़े हो पूरे वर्ल्ड की, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, कार्डिफ हो गई, मतलब बहुत सारी हैं, LSE हो गई, तो ऐसे मतलब अगर इनमें पढ़े हैं तो ऑब्वियसली मैटर करेगा, बट जब फिर बात आती है 400, 500, 600 जो वर्ल्ड रैंकिंग है उनका, फिर सबका एक सही हो जाता है। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैंने कुछ सिलेक्ट किया है एंड मैं बताने वाला हूँ, तो चलो अब शुरू करते हैं। मैं आपको 5 वो बताने वाला हूँ और आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे, और जो भी अब लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यूके आना, सेप्टेम्बर इनटेक है, अभी जैन इनटेक है, तो सारी यूनिवर्सिटीज ओपन है, तो आप जाके अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक अपना जो भी कोर्स है आप जाके इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, मैंने सारी वेबसाइट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो आपको इजी हो जाएगा। एंड चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। तो गाइस, इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 751 से 800 के बीच में है, ठीक है। और जो इसके पॉपुलर कोर्सेज हैं वो हैं बिजनेस, नर्सिंग और साइकोलॉजी, तो जो भी इस फील्ड से हैं आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जो इसकी एवरेज फीस है वो है 13,000 पाउंड पर ईयर, तो 13 लाख के आसपास मान लो। एंड यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, तो 2-3 लाख, वो तो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे, और ठीक है ये सब चीजें, मतलब ये तो ऑब्वियसली आपको पता है स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, तो मतलब मिल ही जाएगी, तो 1-2 लाख उसमें सस्ते हो जाएंगे, तो 13 लाख जैसे एवरेज है, तो 11-12 लाख तक आपको फीस पड़ जाएगी, ठीक है। तो जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंडन। तो गाइस, इसकी जो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे वो है इसकी लोकेशन, ठीक है, लंदन में है। एट द एंड सब बच्चे जो हैं वो सब लंदन मूव करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, ठीक है, एंड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सबसे बड़ा शहर है यूके का, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। रैंकिंग है वो 800 से 1000 के बीच में, एंड इसके जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो है बिजनेस, कंप्यूटिंग एंड लॉ, ठीक है। तो जो भी स्पेस से देखना है तो एक आपका अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एक अच्छी लोकेशन हो सकती है, तो ये कंसिडर कर सकते हो। इसकी जो फीस है, ठीक है, वो है 13,250 पर ईयर, तो 13-13.5 लाख के आसपास इसकी फीस बैठेगी, ठीक है। स्कॉलरशिप का मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी तो कम हो जाएगा, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर है। अगला ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन, ठीक है, और इसकी भी रैंकिंग है 800 से 1000 के बीच में। तो गाइस, जितनी भी मैं यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ सबकी रैंकिंग मतलब सिमिलर ही है, ठीक है, तो रैंकिंग है कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए, आई थिंक। एंड जो इसके जो पॉपुलर कोर्सेज है वो है इंजीनियरिंग, नर्सिंग एंड साइकोलॉजी, ठीक है, तो काफी अच्छे कोर्सेज हैं, काफी इसके पॉपुलर कोर्सेज हैं ये, मतलब इनमें अपनी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का नाम इन कोर्सेज है,
ठीक है, एंड इसकी जो फीस है वो है 13,950 पर ईयर, तो वही 14 लाख के आसपास है। ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं, जब मैं यूके आया था ना पढ़ने, एंड जब मैंने जो अपनी कोर्स की फी पे की थी वो 15 लाख थी, ठीक है, पर ईयर। एंड आज उसी का जब मैं सब डेटा निकाल रहा था ये सारी यूनिवर्सिटीज का, तो मैंने सोचा कि मैं अपना भी कोर्स का देख लेता हूँ कि कुछ फीस बढ़ी है नहीं बढ़ी है। तो ठीक है, आज वही सेम कोर्स 17 लाख का है, तो 2 लाख का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो सिर्फ मैं अपने एक साल के कोर्स का बता रहा हूँ, प्लेसमेंट ईयर था और भी चीजें थी, ठीक है, तो वो अलग है, सिर्फ एक साल का जो स्टडी कोर्स था उसका बता रहा हूँ। एंड इतनी फीस बढ़ रही है यहाँ पे, हर एक सेमेस्टर में ये लोग फीस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत है, इन लोगों बहुत बच्चे आ रहे हैं बाहर से, ठीक है, सो क्यों ना बढ़ाएं, बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बच्चे आ रहे हैं कि इन लोगों को जरूरत ही नहीं है कम रखने की, बढ़ाएंगे ये लोग। तो जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी, ठीक है गाइज, इसका जो लोकेशन है वो लीड्स में है, लीड्स अच्छा शहर है, छोटा सा शहर है, एंड इसकी जो रैंकिंग है वही 800 से 1000, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सेम ही है। एंड इसके जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो हैं बिजनेस, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज साइंस एंड नर्सिंग। सो गाइज, ये भी अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है, आप लोग अगर इन कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जो इसकी फीस है वो है 14,000 पर ईयर, जितनी फीस बता रहा हूँ इससे ऑन एवरेज है, ठीक है, किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई कोर्स का ज्यादा हो सकता है, कोई कोर्स की कम हो सकती है, तो ऑन एवरेज है सारी फीस, ठीक है। आप जाके खुद से ऑफिशियली चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पर आपके कोर्स की कितनी है, बट आसपास ही होगी। वीडियो की जो लास्ट यूनिवर्सिटी वो है टी साइड यूनिवर्सिटी, इसकी भी रैंकिंग वही है 850 से 1000 के बीच में, ठीक है, एंड जो इसके पॉपुलर कोर्सेज है वो है बिजनेस, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग, और जो इसकी एवरेज फीस है वो है 15,000 पर ईयर, 15 लाख के आसपास है इसकी एक साल की। एंड गाइस, जितनी मैंने आज आपको यूनिवर्सिटीज बताई हैं ये अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है, यूके में अच्छा नाम है और यहाँ की हर एक यूनिवर्सिटी अच्छी है यार, ठीक है, तो इतना आप घबराइएगा मत, अपना बजट देखो, ठीक है, आप अपने हिसाब से आओ, ठीक है, किसी दूसरे को देख के या नाम पे यूनिवर्सिटी के कि भाई मुझे तो 25 लाख दूंगा बट मुझे उसी यूनिवर्सिटी में जाना है, बट लोन लेके आना पड़ रहा है, या समझ रहे ना, मतलब एक लोन लेना भी, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरी मेरी इन बातों को नेगेटिव मत लेना, कहने मतलब है कि अगर आप इजीली अफोर्ड कर रहे हो तो भाई आओ, बट आपको अगर ये है कि मेरे को एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, यूके ही जाना है, तो आई थिंक ये आपके लिए जो चीपेस्ट ऑप्शन थे वो मैंने दिया आपको, ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और यूनिवर्सिटी से, ठीक है, मैं तो गाइज आप लोगों की कोशिश करता हूँ हेल्प करने की, एंड एट द एंड आप लोगों को डिसीजन लेना है, ठीक है, आपके हिसाब को देखो, आपकी आपको आपको अपनी पर्सनल लाइफ पता है, ठीक है, कैसे क्या 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 क्या, एंड सो ये थे आज के 5 बेस्ट ऑप्शंस। एक यूनिवर्सिटी को चुनने के ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं होती, उसकी लोकेशन होती है, उसकी पढ़ाई होती है, उसका कोर्स कौन सा पॉपुलर है, अगर हम मैं मान लो सप्लाई चेन करने जा रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का सप्लाई चेन अच्छा है, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उन सब चीजों को आप कंपेयर करो, चार्ट्स बनाओ, ठीक है, और 4-5 यूनिवर्सिटी के मतलब कंपैरिजन एक चार्ट बनाओ, उसमें देखो कि आपको क्या 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 किस यूनिवर्सिटी का ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर एक डिसीजन लो, ठीक है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पे मत रहना, पहली बता रहा हूँ, 4-5 यूनिवर्सिटीज का देखो, सब कुछ कंपेयर करो A to Z एंड देन मेक योर डिसीजन, ओके। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों लोगों के साथ, एंड लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट है आप लोगों का कमेंट करो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप मुझको डायरेक्टली रीच कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की, एंड आज इतना ही था इस वीडियो में, एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।